राम राम दोस्तों, खेत खिलौन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें अपनी गेहूं की फसल में सारे फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। गेहूं की फसल में अगर किसी भी तत्व की कमी होती है तो सीधे पैदावार में नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, गेहूं की फसल में हम इस समय तक सारे फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स समय पर डाल चुके हैं। किसी भी तत्व की हमारी फसल में कमी दिखाई दे रही है तो उसको हम डाल चुके हैं, और इसके साथ सारे फर्टिलाइजर जो हमें समय पर देना होता है वह भी सारे डाल चुके हैं। लेकिन फिर भी इस समय तक हमारी फसल में बहुत अच्छे से कल्ले नहीं बन रहे हैं, और ना ही फसल हमारी बहुत स्वस्थ है, और ना ही फसल में बहुत अच्छे से हरापन है जो कि गेहूं में इस समय तक होना चाहिए, क्योंकि हम इस समय तक लगभग सारे फर्टिलाइजर डाल चुके हैं, फिर भी हमारे गेहूं की फसल का अच्छे से विकास नहीं हो रहा है, ना ही फुटाव देखने को मिल रहा है, और गेहूं में पीलापन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से गेहूं की फसल में हमें मन मुताबिक हरापन या फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है? क्योंकि किसान भी अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए वो सारे काम करते हैं जो कि एक आम किसान करता है। किसान इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में महंगे से महंगे प्रोडक्ट को डालने की पूरी कोशिश करते हैं, और वह डाले भी हैं, लेकिन कुछ किसानों को इसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और कुछ किसानों को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण आपकी मिट्टी का अम्लीय या आपकी मिट्टी का पीएच कम ज़्यादा होना, कभी कभार मिट्टी का क्षारीय होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस समय हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट का प्रयोग करें जो हमारी गेहूं की फसल में जमकर फुटाव करे, गेहूं की फसल हमारी एकदम स्वस्थ और हरी भरी नज़र आने लगे, और हमें आगे चलकर गेहूं से बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिले। क्योंकि हमारी फसल में जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही आगे चलकर हमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी, क्योंकि गेहूं की फसल में जितना ज़्यादा फुटाव हम करा लेंगे और वही चीज़ अच्छी पैदावार की गारंटी होती है। दोस्तों, गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए केवल फर्टिलाइजर मैटर नहीं करती है, इसके साथ ही हर किसान को अपने खेत की मिट्टी की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अपनी गेहूं की फसल में मिट्टी के हिसाब से पानी देंगे, मिट्टी के हिसाब से फर्टिलाइजर देंगे, तो आप गेहूं से कम खर्चे में बहुत अच्छी पैदावार ले सकेंगे। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से संबंधित समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कई सारे किसान अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे ऐसे महंगे टॉनिक रसायनों का प्रयोग करते हैं केवल अपनी मिट्टी की जानकारी के अभाव में, क्योंकि अपने अपनी गेहूं की फसल में सारे फर्टिलाइजर और तत्वों को डाल दिया है, लेकिन आपकी मिट्टी कैसे रिएक्ट कर रही है यह आपको पता नहीं है। हमें सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी होती है, कौन से तत्वों की खेत की मिट्टी में कमी है, कौन से तत्व ज़्यादा हैं, हमारी मिट्टी किस तरीके की है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, इन चीज़ों का पता होना किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो अब बात करते हैं, हमें गेहूं की फसल में इस समय तक हमने सब कुछ डाल रखा है, फिर भी अच्छे से कल्ले नहीं बन रहे हैं, फुटाव अच्छे से नहीं हो रहा है, और गेहूं की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है इस समय। तो दोस्तों, इस समय कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं? आपकी मिट्टी अम्लीय है, पीएच कम ज़्यादा है, या क्षारीय मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी में तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम होती है, मतलब कि आपके पौधे पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और आपका इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं जाता है। आप केवल यह सोचते हैं कि हमने अपनी फसल में सही समय पर सारे तत्वों को डाल दिया है, जो प्रोडक्ट को हमने यूज किया है ये प्रोडक्ट ही खराब है, ऐसा किसानों के मन में आता है। तो किसान भाई, आप इस समय पर प्रयोग करोगे माइक्रो राजा और हार्मिक एसिड, ये गेहूं की फसल के लिए इस समय वरदान है। गेहूं की फसल में अच्छे कल्ले नहीं बन रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, और फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस समय पर इन चीजों का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा फुटाव ले सकते हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और भविष्य में आप अपनी गेहूं की फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। तो बात करते हैं दोस्तों, हार्मिक एसिड क्या है?
माइक्रोराजा और हार्मिक एसिड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हार्मिक एसिड की। अगर आप अपने खेत में हार्मिक एसिड का प्रयोग करते हो तो आपकी मिट्टी भुरभुरी होती है, जड़ों का अच्छे से विकास होता है, गेहूं के पौधे जो तनाव में जा रहे हैं पीलापन आ रहा है या बहुत अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हुआ है या ग्रोथ ही आपको बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिल रही है, तो उस अवस्था में आप हार्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही मिट्टी में वायु का संचार अधिक होता है जिससे आपके पौधे बहुत अच्छे से भोजन को बना पाते हैं और इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है, मतलब कि आपकी फसल में ज्यादा हरापन नजर आता है और साथ ही जड़ों और पत्तियों द्वारा पोषक तत्वों को ज्यादा मात्रा में अटैक किया जाता है और उसके साथ ही यह आपकी फसल में विटामिन को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का अधिक विकास होता है जिससे पौधे मिट्टी की गहराई में पड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। भैया उत्पादन में तो सुधार होता ही है अगर आप हार्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं, वह आपको भविष्य में अवश्य दिखाई देगा। इसके अलावा एक काम और भी करता है, आपकी फसल में एंजाइम और हार्मोन को बढ़ाता है, यह बात अधिकतर किसानों को पता नहीं होगी। इसके साथ ही यह मिट्टी में पड़े निष्क्रिय तत्वों को सक्रिय कर देता है जिससे उन तत्वों की उपलब्धता पौधों तक बढ़ जाती है। आप अपनी की गेहूं की फसल में बिजाइल से लेकर 60 दिनों तक कभी भी हार्मिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और हार्मिक के प्रयोग करने से जबरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोराजा के लाभ। हार्मिक एसिड के साथ हमें माइक्रोराजा का भी प्रयोग करना है। मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जो आपकी मिट्टी में तो पड़ी है लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो रही, तो अगर आप माइक्रोराजा का प्रयोग करते हो तो इन सारे तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। खेत की मिट्टी बहुत ज़्यादा खराब है, पौधे पोषक तत्वों को बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अवस्था में आपको माइक्रोराजा डालने की आवश्यकता महसूस होती है। माइक्रोराजा गेहूं की फसल में जड़ों के पास एक जाल बनाते हैं जिसे हम हाइपी बोलते हैं। अच्छा, इन हाइपी का काम होता है कि फसल की जड़ों में घुसकर प्रोटीन या भोजन को अटैक करते हैं और वापस पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। अब इसके साथ ही खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है जिससे जड़ों का अधिक विकास होता है, पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी फसल का पीलापन खत्म हो जाता है जिससे पौधे खाना बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं। दोस्तों आपकी फसल ग्रोथ पकड़ती है और इसके साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है जिससे जड़ों के आसपास अधिक नमी रहती है और पौधे भी मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को अच्छे से इंटैक्ट कर पाते हैं जिससे गेहूं की फसल में अधिक पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान भाई आप भी अपनी गेहूं की फसल में हार्मिक एसिड और माइक्रोराजा का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।